टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट आगे त्रिकोणटी के आगे आगे की एक्सरसाइज में देखिए आप। मैं कुछ दो सवाल आपके सामने सौरभ सिंह करके दिखा रहा हूँ। मैं उपेंद्र सिंह, देखिए आपके सामने सवाल दे रखा है साइंस पर 25 प्लस के साइंस पर 65 प्लस रूट 3 टेन 5 टेन 15 टेन 30 टेन 75 टेन 85 का मान बताओ। फिर थोड़ा सवाल लंबा है पर सवाल आसान है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। आपको देखो साइन स्क्वायर 25 प्लस के साइन स्क्वायर 65, तो देखिए सॉल्यूशन में साइन स्क्वायर 25 प्लस के साइन स्क्वायर 90 माइनस के 25, 90 में से 25 जाएंगे कितने बचेंगे 65 बचेंगे, प्लस रूट 3 टेन 5 टेन 15 टेन 30 के अलावा आपको पता कितनी होती है 1/√3 और 10 75 और नीचे आपका है 10 85 जो पूरी एक ही लाइन में है। तो देखिए अगली लाइन साइन स्क्वायर 25, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था साइन 90 माइनस के थीटा, लेकिन चूंकि साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगाया है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, ठीक है। और प्लस के देखिए यहाँ पे रूट 3 लिखा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में पूरा फंक्शन है, तो ये भी 1/√3 लिखा है, तो रूट 3 से रूट 3 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या 10 5 टेन 15 टेन 75 और 10 85। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी अब वो थीटा के वैल्यू दोनों समान है 25 25, तो इसके अब 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा 1 प्लस के 10 5 10 15 10 75 और 10 85। अब देखिए यहाँ पे 5 15 75 85 बचा है, तो किसी दो फंक्शन को आप चेंज कर लें, या तो इन दोनों को चेंज करें या इन दोनों को चेंज करें, तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस के मैंने इधर के दोनों चेंज कर लिए 10 90 माइनस के 85 और 10 90 माइनस के 15, तो माइनस और 10 75 10 85, 90 से 85 में घटाता हूँ तो 5 बचेगा और 90 से 15 घटाता हूँ तो 90 से 75 घटाता हूँ आपके 15 बचेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस के नेक्स्ट 10 में 10 90 माइनस का थीटा आपको पता ही है होता है 4 थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट 10 में 1 प्लस के 4 85 और 4 75 10 75 और 10 85, और आपको फॉर्मूला पता है 10 थीटा बराबर 1/4 थीटा, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा आपका 1 प्लस के 4 85 4 75 और 1/4 75 मल्टीप्लाई 1/4 85 85 से 85 75 से 75 दोनों कट जाएंगे, 1 प्लस के 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर कितना आ गया 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल है आपका, तो देखिए नेक्स्ट सवाल में मैंने दे रखा है 10 60 डिग्री 10 23 10 60 10 67 10 83 प्लस के कॉट 54/36 प्लस के 10 वो साइन 20 और सेक 70 माइनस के 2 का आपको मान बताना है। ये सवाल पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन इसको मैं ऐसे लिखूँगा 10 7 10 23 सारे गुणा में लिखे हैं, 10 60 की वैल्यू आपको पता है रूट 3 होती है और 10 67 10 83 प्लस के अब देखो नीचे यहाँ पे कॉट लिखा है या 10 लिखा है, तो दोनों थीटा के मान में सेम कर लूँगा, तो कॉट 90 माइनस के 36 अपॉन में 10 36
और प्लस के साइन 20 और सेक 70 माइनस के 2, तो नेक्स्ट लाइन में आपको हो जाएगा टेन 7 डिग्री टेन 25 रूट 3 टेन 67 टेन 83 ऊपर हो जाएगा टेन 90 कॉट 91 थीटा टेन थीटा प्लस के 10 36 होते 36 कट जाएंगे दोनों अपॉन में हैं और प्लस के साइन 20 और सेक 70 माइनस के 2। अब देखिए तो यहाँ से क्या होगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको ये लिखे हैं आपके 83 और 67 और 25, तो यहाँ से हो जाएंगे आपके 23 है, मैंने ऊपर 23 ही लिखा है। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा नेक्स्ट टेन में 10 7 टेन 23 और रूट 3, इसको मैं चेंज कर दूंगा 10 90 माइनस के 23 और 10 90 माइनस के 7। 90 में से 23 जाएंगे तो 67 बचेंगे, 90 जाएंगे 83 बचेंगे और प्लस के 1 और प्लस साइन 20, इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं सेक 90 माइनस के 20 माइनस के 2, तो यहाँ से जाएंगे आपके 10 7 10 23 रूट 3, जो आपका हो जाएगा कॉट 23 जाएंगे कॉट तो कॉट 23 और जो जाएंगे आपके कॉट 7 प्लस के 1 और प्लस के साइन 20 सेक 90 माइनस के डीटा हो जाएगा कोसेक कोसेक 20 माइनस के 2, यहाँ से जाएंगे 10 7 अच्छा 10 7 10 23 रूट 3 1/10 23 1/10 7 प्लस के 1 प्लस के साइन 20 और गुणा में 1/(sin 20) माइनस के 2, तो 10 23 काट देंगे और 7 से 7 काट देंगे और साइन 20 से साइन 20 काट देंगे, तो आप तो बचेगा यहाँ पर रूट 3 नेक्स्ट लाइन में और प्लस के 1 और प्लस के 1 माइनस के 2, तो आपको रूट 3 1/2 आएंगे माइनस के 2, 2 से 2 कट गया, आपको क्या बचा ओनली रूट 3। तो इसका सॉल्यूशन आपका इस तरीके से है। तो इसके कमेंट आप बताएं, अपना नाम देके कमेंट करके बताएं।